आज हम बनाने वाले हैं एक फ्लोर सीटिंग, एक लिविंग रूम मेकओवर करने वाले हैं। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर नए घर में शिफ्ट हुए हैं या फिर सोफ़ा नहीं लेना चाहते हैं या सोफे में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल टू यू। हम अपने लिविंग रूम को फ्लोर सीटिंग से भी एक मेकओवर कर सकते हैं, जिसमें आज मैं बहुत कम सामान यूज़ करने वाली हूँ। जो भी सामान हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है मैं उसको यूज़ करने वाली हूँ, या फिर जो भी चीज़ें मैंने DIY करके बनाई है मैं उन सब चीज़ों को यूज़ करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो विदाउट मेकिंग दिस वीडियो एनी लॉन्गर, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मेरे को इस एरिया पे फ्लोर सीटिंग क्रिएट करना है। सो फर्स्ट रूल इज़ यू हैव टू क्लीन द एरिया। मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और मैं इस पे ये मैट्रेस बिछा रही हूँ। आप कोई भी तरह का मैट्रेस ले सकते हैं, अगर आपके पास ऐसे वाला नहीं है तो आप कॉटन वाला मैट्रेस भी ले सकते हैं या फिर फ्लोर सीटिंग वाले कुशन्स आते हैं उनको भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास ईजिली अवेलेबल हो, जिस पे आप कंफर्टेबल हो, आप कोई कुछ भी यूज़ कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम टू ऐड अ बेडशीट ओवर इट। और हम आप किसी भी कलर की बेडशीट इस पे यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी वॉल के अकॉर्डिंग जो भी कलर हो आपकी वॉल का, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो बेडशीट, या फिर आप वाइट कलर की बेडशीट भी यूज़ कर सकते हो अगर आप उसकी मेंटेनेंस अच्छे से कर सकते हो। वाइट बेडशीट यूज़ करने के बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के क्वेश्चंस उस पर रख सकते हो। अगर हम कलर्ड या फिर पॉपअप कलर की बेडशीट्स लेते हैं तो उनके लिए हमें फिर डिफरेंट क्वेश्चंस कवर लेने होते हैं, बट वाइट के साथ हम कुछ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आई एम एडिंग हेयर इज़ रग। ये मेरे पास बेड साइड वाला रग है, तो ये मेरी बेडशीट से मैच हो रहा था तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो आप कोई भी कारपेट या रग जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते। नेक्स्ट आई एम एडिंग हेयर इज़ प्लांट इन द कॉर्नर। आप कोई भी प्लांटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको कोई हाइटेड प्लांट यूज़ करना है यहाँ पे, बिकॉज जो कॉर्नर होता है अगर आप फ्लोर सीटिंग भी क्रिएट कर रहे हैं या फिर नॉर्मल सीटिंग भी क्रिएट कर रहे हैं तो ये देखने में अच्छा। अगर आप रियल प्लांट्स भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर द आर्टिफिशियल प्लांट्स, बट उसकी हाइट भी 4 to 5 feet होनी चाहिए सो दैट कि ये आपका जो कॉर्नर है उसको इन्हांस कर सके। किसी भी स्पेस को कोजी बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कुशन्स का होना। कुशन्स किसी भी स्पेस को कोजी बना सकते हैं, बट हेयर आई एम यूजिंग ओनली 2 cushions हेयर। मैं इसको बहुत सिंपल रख रही हूँ। अगर आपको कुशन्स बहुत ज़्यादा रखने हैं सो यू कैन गो विद ए डिफरेंट काइंड ऑफ कलर। नाउ इट्स टाइम टू ऐड स्टोरेज कंटेनर्स। ये हैंडमेड कंटेनर है, इसमें हम अपने चार्जर्स, कीज, हेडफोन सब रख सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो द स्क्रीन बॉक्स इज़ ऑल्सो ए कंटेनर, और इसमें आप अपनी बुक्स रख सकते हैं, अपने पेन्स रख सकते हैं। तो दीज आर द कंटेनर की जो जिसमें आप अपना स्टोरेज कर सकते हैं और कुछ दिखाई भी नहीं देगा। आई एम एडिंग हियर सकुलेंट्स जो कि आपको एक अच्छा लुक देंगे। एंड दिस इज़ द DIY पीस जो मैंने खुद से बनाया थ्रेड की हेल्प से। तो आप भी इस तरीके से अपने घर में ऐसे छोटे छोटे DIYs करके अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। गाइज फॉर वॉचिंग इट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये छोटा सा मेकओवर आपको अच्छा लगा होगा। आप भी अपने घर में ऐसे छोटे से मेकओवर कर सकते हैं। आपको ये छोटा सा मेकओवर अच्छा लगा होगा। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे पॉजिटिव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।